नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। छात्रों ने अंग्रेजी नाटक नूर ए बाबर के माध्यम से मुगल युग को फिर से जीवित किया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल से जब अर्थ प्रकाश की टीम ने बातचीत की तो क्या कुछ कहा, अर्थ प्रकाश की देखे इस पूरी रिपोर्ट में। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के 38 साल पुराने स्कूल विवेक हाई स्कूल में आज 27th फाउंडर दिवस मनाया जा रहा है। 2 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस दिवस में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज आइए बात करते हैं स्कूल के मैनेजमेंट से, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रेणु जी से। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, ये फाउंडर डे जो आप 27th मना रहे हो, तो ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे रही है और क्या क्या प्रोग्राम? ये फाउंडर्स वीक की सेलिब्रेशन जो हमारी होती है, ये उस हफ्ते के दौरान होती है जब हमारे फाउंडर सरदार भगवंत सिंह जी का जन्मदिन होता है। 4 नवंबर को उनका जन्मदिन है, तो हमारे स्कूल के बच्चे, स्टाफ, सब लोग, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है और हम अलग अलग प्रोग्राम सेटअप करते हैं। कल हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें फील्ड डिस्प्ले था, मार्च पास्ट था, और आज हमारे बच्चे थिएटर ग्रुप के जो हैं वो एक नाटक करने जा रहे हैं, नूर ए बाबर, तो उसका आप अभी देखेंगे। ये बच्चे जो हैं, ये 80-85 बच्चे होंगे स्टेज पे, क्लास 4 से 10 तक, और ये बच्चों ने पिछले 6 महीने में थिएटर क्लब में अपनी रुचि दिखाई और इन्होंने ऑप्ट किया कि हम थिएटर लेंगे, और उसके दौरान उन्होंने बहुत सारा कुछ सीखा। बहुत सी लर्निंग होती है थिएटर के थ्रू, और ये हमारे स्कूल का विश्वास है कि हर बच्चे में बहुत कुछ होता है, सिर्फ हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो आज जो बच्चे हैं आपको जो स्टेज पे दिखेंगे, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद पहली बार स्टेज पे आ रहे हों, जिन्होंने कभी प्ले में पार्ट नहीं लिया इससे पहले, पर जो उनका आप हुनर देखेंगे वो हम लोग भी देख के बहुत ही हैरान हो गए कि हर बच्चे के अंदर इतना कुछ है। सो पढ़ाई से अलावा भी बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके डिफरेंसेस सेलिब्रेट करते हैं, उनके टैलेंट सेलिब्रेट करते हैं, और जो हमारी फाउंडर्स वीक है ये उसी का एक डिपिक्शन है, जब हमारे बच्चे अपनी अलग अलग कलाएं, जैसे कि एग्जीबिशन में आर्ट वर्क है, थिएटर है, फील्ड डिस्प्ले है, डांसेस हैं, ये सब बच्चों के अलग अलग हुनर बाहर आते हैं और हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, उसको अपलॉड करते हैं। दैट इज़ द होल आइडिया। कल हमारी प्रेयर मीटिंग है 4 तारीख को, तो उस दिन जो अवार्डीज हैं, जैसे स्कूल के एकेडमिक अचीवर्स हैं, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे, उनको ऑनर करेंगे, जो टॉपर्स हैं, जो बोर्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्लास में 90% से अबव हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, इसमें आर्ट वर्क को लेकर भी कुछ है जी? आर्ट तो आपको चारों तरफ दिखेगा, जितने सेट्स बने हैं, जितना बाहर कल हमारा एक फील्ड डिस्प्ले था उसके आर्ट वर्क थे, आज एग्जीबिशन है, उस सब में आर्ट वर्क की ही डिपिक्शन है। हर तरह का आर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके 3D प्रिंटिंग से लेके पेंटिंग, पपेट्री, एवरीथिंग इज देयर। ये बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी चॉइस है, ये सब वो लोग चूज़ करते हैं अप्रैल में जो एक्टिविटी करना चाहते हैं। 37 एक्टिविटीज़ में से चॉइस है उनके पास, और कोई भी बच्चा कोई भी क्लास का एक एक्टिविटी चूज़ करके उसका ऊपर फिर डेवलप करता है। तो इसमें पेरेंट्स का किस हद तक सहयोग मिला आपको? बिना पेरेंट्स के योगदान के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को एक तो प्रोत्साहित करना स्कूल का होता है, दूसरा प्रोत्साहन उनको घर से मिलता है, और पेरेंट्स जब तक हमारा साथ नहीं देते तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सब एक्चुअली एक ट्रायंगल होता है, बच्चा, स्कूल, पेरेंट्स, सब ने मिल के काम करना है कि बच्चे का बेस्ट डेवलपमेंट हो। विवेक हाई स्कूल में जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा रहता है, योगदान रहता है, तो कहीं ना कहीं एकेडमिक में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा हर टाइम 100% रिजल्ट तो होता ही है, पर मोर देन 90% ऑफ द क्लासेस अबव 80% इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो,
So academically also they do very well, and it's a lot of skills that they develop while doing all these activities. So हम भी खुद हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे में कितना हुनर होता है और कितना कुछ वो कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बहुत कुछ और भी। तो ये थे मैम, ये बात, तो आइए बात करते हैं इस नाटक के, नाटिका के जो निर्देशक हैं मिसेज निशा लूथरा जी, जो कि नेटिव 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 सोसाइटी के फाउंडर भी हैं जी। तो आज निशा जी, पहले सबसे पहले बताइए कि छोटे बच्चों के साथ काम करना कैसा लग रहा है? जी एक्चुअली मेरे लास्ट प्रोडक्शन के जो एक्टर थे वो बलकार सिंह सिद्धू जी थे, तो हम लोग सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते आए हैं। तो इस बार जब रेणुपुरी मैम ने हमें इन्वाइट किया कि आपको फोर्थ क्लास से टेंथ क्लास के बच्चों के साथ काम करना है, इट वॉज़ अ बिग चैलेंज। और जब हमने ये सोच लिया कि हमें मुगल एम्पायर पर काम करना है तो वो और भी बड़ा चैलेंज था, लेकिन बच्चों की एनर्जी इतनी प्योर और इतनी एडिक्टिव होती है कि हमें बहुत मज़ा आया, और आप देखेंगे अभी कि उन्होंने कितनी मेहनत की। अच्छा, कहीं ना कहीं मुगल को लेके सामने चीज़ आती, आर्ट, उनके ड्रेसअप, तो वहाँ किस तरह मैनेज किया? जी सबसे पहले तो ये था कि हम किस तरह से उस मुग़ल दरबार का जो संगीत है उसको किस तरह से जीवंत करेंगे स्टेज पे। तो बहुत मेहनत हुई, सारे म्यूजिशियंस हमारे बहुत दूर दूर से आए, हम लोगों ने पहले बैठ के म्यूज़िक कंपोजिशंस की, तराना, पड़ंत, वॉर अलाप, सारे हमने पहले म्यूज़िक कंपोज किया। उसके बाद हमने सेट डिज़ाइन तैयार किया, ये भी सेट का एक पार्ट है, और उसके बाद कॉस्ट्यूम्स पे काम हुआ, और इस तरह से एक एक करके सब चीज़ें हम लोगों ने सब डिटेलिंग पे ध्यान दिया। अच्छा, आपने बाबर को ही क्यों चुना? क्योंकि मुगल में बहुत और भी जो किंग्स आए हैं, बाबर को एक इन्वाइडर की और देखा जाता है, अकबर को बड़ा अच्छा माना जाता है, तो आपने बाबर को ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली कोरोना टाइम्स में बाबर नामा मैंने पढ़ी थी, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि बाबर एक बहुत बड़े जो कि वैलर के किंग थे, सुल्तान थे, हम यही जानते थे कि बहुत क्रूर राजा वो हुआ करते थे, लेकिन उनके जो सेंसिटिव साइड था वो बाबर नामा पढ़ कर सामने आया, उनकी पर्शियन पोइट्री, वो कितना अच्छा लिखते थे, और अपने बच्चे के लिए वो किस तरह से सेंसिटिवली सोचते थे कि किस तरह वो अपनी एम्पायर को आगे बढ़ा सके, चला सके, तो ये उनका जो सेंसिटिव पार्ट था पर्सनालिटी का वो बहुत पसंद आया। तो उसी के बाद रिसर्च हुई, और उसके बाद हमने 10 सीन का ये नाटक लिखा, और यहाँ आके उसको और डेवलप किया, क्योंकि एक राइटर की स्क्रिप्ट अलग है और डायरेक्टर की स्क्रिप्ट अलग होती है, इन दिस केस आई एम द राइटर एंड द डायरेक्टर, तो वो पूरी स्क्रिप्ट बच्चों के हिसाब से फिर से हमने रिविजिट की। तो ये नाटिका कितने मिनट की रही? ये 70 मिनट्स की है, 1 घंटा और 5 या 10 मिनट, वो डिपेंड करता है। हाँ, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर? 81 स्टूडेंट्स टोटल हैं, क्लास 4 से क्लास 10 तक के। तो इतने बच्चों को मैनेज करने में बड़ा दिक्कत आई होगी? वी हैव अ टीम ऑफ पीपल एंड नरेटर्स परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी में हम लोग डांसेस के बच्चों को अलग ट्रेन करते हैं, सिंगिंग के अलग, कॉयर देखेंगे आपके कितना ब्यूटिफुली वो लोग सारे जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं वो कितना ब्यूटिफुली गा रहे हैं। तो सबकी टीम्स अलग अलग थी, हमने एक्टिंग टीम को अलग से ट्रेन किया और उसके बाद सबको इकट्ठा करके। अच्छा, एक चीज़ ये रहती कि आज तक आपने प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम किया, थिएटर ग्रुप के साथ काम किया, तो कहाँ आपको इन बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगा, आसान लगा या मुश्किल लगा? जी ऐसा नहीं है, पहले भी बच्चों के साथ काम किया है, विवेक हाय मोहाली का हमने फाउंडर्स किया था कोरोना से पहले, उससे पहले यहाँ पे भी काम किया हुआ है बच्चों के साथ, लेकिन 9th क्लास एंड अबव, दिस टाइम इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम के 4th से लेकर 10th तक के बच्चे थे, और सबके माइंड सेट अलग थे, एज ग्रुप अलग थे, तो दैट वॉज अ चैलेंज, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल चैलेंज आई वुड से। तो कितना टाइम लगा इसको पूरा तैयार करने? इस पे हम थिएटर क्लब पिछले 9 महीने से कर रहे हैं बच्चों के साथ, 2 घंटे इस पर्टिकुलर इस प्ले के लिए हम आए थे, ऑलमोस्ट 35 दिन में हमने ये तैयार किया, 35 days। आज उसकी फाइनल जो है आउटपुट निकलेगी, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि निशा जी की मेहनत कितनी रंग लाती है। जो निशा जी खुद अपने आप में एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, इनकी बेटी भी एक लेखिका बन चुकी हैं, तो निशा जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखने वाली बात रहेगी कि आज क्या जलवान सामने नजर आता है। मैं करमजीत सिंह मुनीश के साथ अर्थ प्रकाश लाइव चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।